नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर गुरुजी चैनल से मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में आज के दिन कंप्यूटर का एक अहम योगदान हो गया है। कंप्यूटर युग ने डेस्कटॉप से लेकर मोबाइल तक काफ़ी उन्नति की है। घर घर में लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन एक रोज़मर्रा की ज़रूरत हो गई है। यहाँ तक कि हर क्षेत्र, हर फील्ड में कंप्यूटर की एक अहम उपयोगिता है ना दोस्तों। हमारा आज का पाठ है दोस्तों कि कंप्यूटर के मौलिक ज्ञान, यानी कि जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर में डेस्कटॉप व लैपटॉप दोनों शामिल होते हैं। कंप्यूटर एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश या डेटा को सार्थक जानकारी में बदलता है। कंप्यूटर को यूजर निर्देश देता है, उसको हम इनपुट कहते हैं, जिसको कंप्यूटर पढ़ता है और सार्थक जानकारी में बदलता है, प्रोसेस कहलाता है। और दोस्तों, जो जानकारी यूजर को जब मिलती है उसे हम आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं दोस्तों, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर का फिजिकली भाग होता है दोस्तों। इसमें कंप्यूटर के भीतरी और बाहरी दोनों पार्ट शामिल होते हैं जिन्हें हम देख व छू सकते हैं, वो हार्डवेयर। इनमें दोस्तों सीपीयू, हमारा मॉनिटर्स, कीबोर्ड्स, माउस एंड प्रिंटर्स, ये भारी भाग हो गए दोस्तों। ऐसे ही उसके अंदर के पार्ट्स, उस मदरबोर्ड्स, उसका सीपीयू, उसके ग्राफिक कार्ड्स, रैम एंड उसके एसएमपीएस, ये सारे दोस्तों इनके आंतरिक पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर में दो प्रकार के उपकरण होते हैं दोस्तों, इनको हम डिवाइसेस भी कह सकते हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस। इनमें पहली तो होती है हमारी इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस में हमारे कीबोर्ड दोस्तों, माउस, वेबकैम, माइक, स्कैनर, बारकोड रीडर इत्यादि शामिल किए जाते हैं। दूसरी डिवाइस होती है दोस्तों इसकी आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइसों में हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर या स्पीकर, ऐसे कंपोनेंट्स हमारे आउटपुट डिवाइस में शामिल होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। वैसे तो दोस्तों कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जिनकी जानकारी हम आपको आगे वीडियोस में बताएंगे। फिलहाल हम बातें करते हैं पर्सनल कंप्यूटर की, व्यक्तिगत कंप्यूटर, जिनको हम साधारणतः पीसी के नाम से जानते हैं। ये भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, जैसे हमारे एक तो पीसी और एक होता है दोस्तों मैक। पीसी आमतौर पर हमारी जानी मानी कंपनियां, जैसे कि हमारे सैमसंग, तोशिबा, सोनी, डेल, लेनोवो या एसर जैसी कंपनियां बनाती हैं दोस्तों, जबकि मैक केवल एप्पल ही बनाती है। साधारण पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होते हैं, जबकि इसके विपरीत एप्पल्स के पीसी सिस्टम में, चाहे लैपटॉप हो चाहे हमारा डेस्कटॉप हो, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मैक होता है, मैक ओएस एक्स। कंप्यूटर्स या हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स विभिन्न प्रकार के मॉडल और आकार के हो सकते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए किया गया है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, पहला होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक एंड एंड्रॉयड शामिल किए जाते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, टैली, फोटोशॉप जैसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स का भंडार होता है।
सॉफ्टवेयर के बारे में अधिक जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अपने जानकारों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो अच्छे अच्छे कमेंट करना भी ना भूलिएगा।